शिमला की संजौली मस्जिद को लेकर आज भी हंगामे के आसार है। बुधवार को बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी संजौली पहुंचे और प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों को तितर बितर करने के लिए पुलिस ने लाठी चार्ज किया। बीजेपी नेता जयराम ठाकुर ने कहा कि सरकार ने प्रदर्शनकारियों से बातचीत करने की कोशिश नहीं की। तो सारा टैकल किया जा सकता था, हैंडल किया जा सकता, लेकिन मुझे लगा कि उस तरह से उन्हें प्रयत्न और प्रयास करने की आवश्यकता महसूस नहीं की। वही हिमाचल के मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि अगर बिल्डिंग अवैध हुई तो गिराई जाएगी। अगर ये अवैध पाया जाता है तो निश्चित तौर से इसको डिमोलिश किया जाएगा। शिमला की संजौली मस्जिद को लेकर आज भी हंगामे के आसार है। बुधवार को बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी संजौली पहुंचे और प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों को तितर बितर करने के लिए पुलिस ने लाठी चार्ज किया। बीजेपी नेता जयराम ठाकुर ने कहा कि सरकार ने प्रदर्शनकारियों से बातचीत करने की कोशिश नहीं की। तो सारा टैकल किया जा सकता था, हैंडल किया जा सकता, लेकिन मुझे लगा कि उस तरह से उन्हें प्रयत्न और प्रयास करने की आवश्यकता महसूस नहीं की। वही हिमाचल के मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि अगर बिल्डिंग अवैध हुई तो गिराई जाएगी। अगर ये अवैध पाया जाता है तो निश्चित तौर से इसको डिमोलिश किया जाएगा। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel, ABP Live Premium.